आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, मुझसे क्वेश्चन है, पूछा कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, मुझे फोर पार्ट्स गिवन है, तो चलिए देखते हैं। देखो, वर्ड से ही पता चल रहा है कोलिजन। कोलिजन का क्या मतलब होता है? जब भी कोई चीज टकराती है तो ऑब्वियसली बात है एक चीज तो नहीं टकरा सकती। एक चीज एक दूसरे से कब टकराएगी? जब एक और चीज होगी। तो जब इन दो का मैं बोलूं अगर ये कोलाइड करेंगे तो ही कोलिजन होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये यूनिमोलिकुलर पे तो होगा नहीं, होगा तो यूनिमोलिकुलर से ज्यादा पे। तो जो मैं लिखूं बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द कोलिजन थ्योरी, बेसिक रिक्वायरमेंट कि जो भी हमारे या तो एटम्स हैं या हमारे आयंस हैं या भी मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होने चाहिए? एक तो पहले वो क्या होने चाहिए, देखो किसी भी चीज़ को टकराने की हम क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं? ये तो है नहीं यहाँ यहाँ पे हो क्या, यहाँ पे है कोई, यहाँ पे तो वो टकरा जाएंगे। पहली बात तो इन दोनों को एक दूसरे के पास होना चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दे शुड कम टुगेदर एंड कोलाइड, तभी कोलिजन होगा। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो हम कोलिजन थ्योरी एप्लीकेबल होगी, तो एप्लीकेबल होगी हमारी कोलिजन थ्योरी जो भी हमारी क्या है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये यूनिमोलिकुलर पे तो नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो हो गया हमारा बाय मॉलिक्यूलर। तो इस सबसे पहले हमारी कोलिजन्स कौन से होने चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन्स। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे सपोज हमारे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये एक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे ये हमारे सपोज रिएक्टेंट्स, इनको क्या कर रहे हैं अप्रोच, ये दो है। तो मैंने दिखाया कि यहाँ पे इनको ही अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे अगर मैं इनकी ज्योमेट्री से आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये आके इनकरेक्ट ज्योमेट्री से कंबाइन होंगे। यहाँ पे ये मेरा ये था, यहाँ पे ये था, तो ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कोलिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुत ही इनकरेक्ट ज्योमेट्री है। और मैं दूसरी साइड बात करूं, अगर इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, कोलिजन किस केस में हो जाएगा, हमारा एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, और जो हमारे अप्रोच करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं इनको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ आफ्टर कोलिजन, तो ये कैसे शो कर सकते हैं हम इसको, ये जाके इनके पास पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोजली अटैच हो जाएगा, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे हो गया और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ फिर हमारे यहाँ से प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा इस वे में, ठीक है। तो एक तो हमारी प्रॉपर ज्योमेट्री होनी चाहिए, और क्या है कि मॉलिक्यूल्स आके पास आके कंबाइन कर देना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होते हैं किसके, कोलिजन थ्योरी के। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू द परफेक्ट ज्योमेट्री, और हमारे मॉलिक्यूल्स दे हैव केम कम टुगेदर। तो हमारे ये एप्लीकेबल किस पे होती है, ओनली ऑन द बायो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।